नमस्कार। बड़ी अजीब चीज है राजनीति। कब कौन यहाँ, कब कौन वहाँ, कोई नहीं जानता। सब अपने लिए संभावनाएं टटोलते हैं और जहाँ बेहतर संभावना दिखती है वहाँ जाने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लग जाते हैं। इसी का नाम है राजनीति। अब खबर है कि तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त दूसरे दल में जाएंगे और राजद विधायक के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त आज उनके दोस्त नहीं हैं। पिछले 6-7 सालों से ये दोस्ती खत्म हो चुकी है, लेकिन पुराने दोस्त तो कहे जाएंगे। किसी दौर में राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान के तौर पर चर्चित रहे पाटलिपुत्र के वर्तमान भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामने वाले हैं। अभिमन्यु यादव एक दौर में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घनिष्ठ और बचपन के मित्र माने जाते थे। दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव इसी 27 मार्च को चिराग पासवान की मौजूदगी में एक भव्य कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस ने इस प्रवेश को रोक दिया और फिलहाल ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है। इस वजह से अभिमन्यु के लोजपा में शामिल होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अभिमन्यु किस तारीख को लोजपा में शामिल होंगे अभी यह तो तय नहीं है, लेकिन लोजपा में शामिल होंगे यह तय हो चुका है। अब बात आती है अभिमन्यु के पिता और सांसद रामकृपाल यादव की। बेटा अगर दूसरे दल में जा रहा है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन रामकृपाल यादव से जुड़े लोगों का इस मामले पर साफ साफ कहना है कि उन लोगों को ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब कौन सा निर्णय हो जाएगा कोई नहीं जानता, ये रामकृपाल यादव के करीबी कह रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े नेताओं ने अभिमन्यु के लोजपा में शामिल होने की एक तरीके से पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि अभिमन्यु यादव बिहार के बेहद सक्रिय और चर्चित युवा नेताओं में से एक है। उनका संगठन टीम अभिमन्यु के नाम से काम करता है। अभिमन्यु के साथ युवाओं की एक बड़ी जमात है जो हर पर्व त्योहारों के समय सक्रियता के साथ जन सेवा करता नजर आता है और इनके होर्डिंग्स राजधानी पटना में दिख जाते हैं। न सिर्फ पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र बल्कि बिहार के कई दूसरे जिलों में भी टीम अभिमन्यु का काम नजर आ जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि लोजपा में शामिल होने के पीछे अभिमन्यु यादव का उद्देश्य है विधानसभा का अगला चुनाव लड़ना। खबरों के मुताबिक अभिमन्यु की नजर मनेर और फतुहा विधानसभा सीटों पर है। मनेर और फतुहा इन दोनों सीटों पर फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। मनेर से जहां भाई वीरेंद्र विधायक हैं, तो वहीं फतुहा से रामानंद यादव विधायक हैं। ये दोनों विधायक अपनी पार्टी के कद्दावर नेता यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता माने जाते हैं। अभिमन्यु के पिता और सांसद रामकृपाल यादव के जितने भी करीबी लोग हैं इस मुद्दे पर बोलने से परहेज कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में अभिमन्यु के चुनाव लड़ने की चर्चा तो काफी तेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिमन्यु यादव का चुनाव लड़ना करीब करीब तय है। सिर्फ घोषणा इस बात की होनी है कि सीट कौन सी होगी, मनेर या फतुहा। वैसे उनके फतुहा सीट पर ही चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है, क्योंकि फतुहा विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी पारंपरिक तौर पर अब तक अपने उम्मीदवार उतारती रही है। धन्यवाद।